अभी एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी जो इस पूरे इंक्यूबेशन सेंटर के प्रथम संस्थागत सहयोगियों में है, वो खुद महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी की रुचि मैडम यहाँ पे आई हुई हैं। तो उनको बुलाने के पहले मैं आप सभीों का ध्यान खींचना चाहूंगी कि यहाँ पे काफी संस्था के प्रतिनिधि बैठे हैं। तो यहाँ पे बहुत उत्तम उदाहरण है कि एक गवर्नमेंट अधिकृत संस्था, मतलब गवर्नमेंट कैसे जुड़ सकती है उसका भी ये उदाहरण है, और एक सामाजिक संस्था कैसे जुड़ सकती है उसका भी उदाहरण है, और काफी प्रतिष्ठित संस्था कितने सक्रिय स्वरूप से बिल्कुल पार्टनर की तरह जुड़ के काम कर रही है, ये हम सब के लिए सीखने लायक उदाहरण है। तो इसके पहले कि हम रुचि जी को आमंत्रण दें, आशीष जी आप उनको कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? जी, इस बात का मुझे बड़ा ही खुशी है और ये आई एम प्राउड ऑफ दिस। बात ऐसी है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक विशेष अभियान के तहत हमें विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए हमें ये सहूलियत दी है, और इसके लिए इनोवेशन महाराष्ट्र इनोवेशन सोसाइटी जो के सारे ही यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालय में फंड्स प्रोवाइड करते हैं और ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सहायता करते हैं, उसके लिए जिन्होंने खुद होके पहल की है उनके एक इनोवेशन मैनेजर के रूप में मिस रुचि सिंघानिया जी हैं। वो हमारी पीओसी है, जिनके सहायता से, जिनके मार्गदर्शन में हम अपना इंक्यूबेशन सेंटर बढ़ाते हैं, और मुझे बहुत खुशी है। आई वेलकम रुचि मैडम कि आपने अपना समय दिया, और लोगों को बताने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका किस तरह से इसमें सहयोग और लीड है हमारे इस उपक्रम में, प्लीज। आप म्यूट 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 है मैडम, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशीष पनत जी फॉर हैविंग मी ऑन दिस कॉल टुडे, एंड मुग्धा जी की तो मैं तारीफ अलग ही करना चाहूंगी, क्योंकि वो जो कार्य कर रही हैं इतने वर्षों से वह नारी शक्ति के लिए, उसकी दाद, मतलब मुझे क्षमा करिएगा क्योंकि मेरी हिंदी शायद उनके जितनी अच्छी नहीं है, बट उनकी कार्य की मैं तय दिल से शुक्रगुजार हूँ। वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। SNDT के बारे में तो डॉक्टर पनत ने आपको बता ही दिया है, मैं आपका जस्ट थोड़ा समय लूंगी ये बताने के लिए कि महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी, जिसको आज मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो क्या करती है। सो महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी, हम डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल्य विकास विभाग के तहत बनाई गई थी। 2018 में स्टेट इनोवेटिव पॉलिसी आई थी जिसके अंतर्गत इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये सोसाइटी में जितने भी कार्यकर्ता है सभी प्राइवेट बैकग्राउंड से हैं, जो एक सीनियर IAS ऑफिसर को रिपोर्ट करते हैं जो हमारे कमिश्नर हैं, और अभी करेंटली हमारे कमिश्नर कम CEO श्री दीपेंद्र सिंह कुशवाहा जी है, हमारे मिनिस्टर श्री नवाब मलिक साहब जी हैं, एंड अभी हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस मनीषा वर्मा मैडम। सो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ, हमारी कुछ की ऑब्जेक्टिव जिसके लिए ये सोसाइटी की स्थापना की गई है वो ये है कि जितने भी स्टार्टअप्स है इस स्टेट में जो इनोवेशन पे काम करते हैं, जिनके वजह से सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है, उनको बढ़ोतरी देने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए इस सोसाइटी की स्थापना और संरचना की गई है। प्लस उन स्टार्टअप्स को हम ज्यादा से ज्यादा वेंचर कैपिटल और एंजल फंड प्रोवाइड कर पाए, हमारे जो नेटवर्क है उनके तहत उनसे कनेक्ट करवा पाए, ये भी हमारा एक मुख्य उद्देश्य रहेगा। जब भी कोई आइडिया एक बिजनेस में या स्टार्टअप में कन्वर्ट होता है, जैसा कि पनत जी ने भी समझाया, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि वो अपने साथ पूरे पूरे समाज को लेके चलता है, जिसके वजह से बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है। तो ये एक मुख्य उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स और बिजनेस जो इनोवेटिव बिजनेस है उनको बढ़ोतरी दे, उनकी सहायता करे,
उनका उनको सपोर्ट करे ताकि मैक्सिमम इम्पैक्ट हम क्रिएट कर पाए जॉब क्रिएशन से या उनके संरक्षण के लिए. तो इन जो भी उद्देश्य मैंने कहा उसको हासिल करने के लिए हमारे कुछ इनिशिएटिव्स है जिसपे हम बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं. फर्स्ट हमारा प्रथम इनिशिएटिव ये था कि हम पूरे राज्य भर में इनक्यूबेशन सेंटर्स बनाए. उसी पॉलिसी के अंडर हमने SNDT को जनवरी 2021 में एक इनक्यूबेशन सेंटर घोषित किया जिसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या महाराष्ट्र सरकार उन्हें 5 करोड़ तक की फंडिंग दे रही है फॉर 5 साल के लिए ताकि हम उनको सपोर्ट कर पाए जिसके बदले वो मैक्सिमम या जितने हो सके महिला उद्योजकताओं का सपोर्ट कर पाए जो इनोवेटिव बिजनेस पे काम या आइडिया पे काम करना चाहती है. उसी प्रकार हमारा एक बहुत अहम इवेंट है जो अभी 2 हफ्ते में आ भी रहा है, आपने सुना भी होगा, विच इज महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक. स्टार्टअप वीक ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो हम इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज को देते हैं नॉट ओनली फ्रॉम महाराष्ट्र बट फ्रॉम थ्रू आउट द कंट्री, जहाँ पे वो हम एप्लीकेशन कॉल करते हैं. इस साल हमें लगभग 1800 से ज्यादा एप्लीकेशन मिले पूरे देश से. उसमें से हमने टॉप 100 या बेस्ट 100 जो बोलते हैं उनको सेलेक्ट किया. अब वो वर्चुअली पिच करेंगे हमारे जजेस को या पैनल्स को, और उसमें से जो टॉप 24 होंगे उनको महाराष्ट्र सरकार या हमारी तरफ से 15 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर मिलेगा. और ये हमारा इस साल का चौथा इवेंट होगा. इसके पहले हमने सक्सेसफुली 3 इवेंट किए हैं जिसमें से टॉप 72 स्टार्टअप्स हमें मिले, और जिन्होंने बहुत कुछ इनोवेटिव किया है गवर्नमेंट में, और उसके वजह से गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और इन रिटर्न हमारे समाज को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है. इसके अलावा हमने वर्चुअल इंक्यूबेशन हमारा प्रोजेक्ट है जो बहुत जल्दी हम लाइव लाने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे कि फिजिकल इंक्यूबेशन सेंटर्स की एक सीमा होती है, वो हर जगह नहीं पहुंच पाते, उसी लिए हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए या मैक्सिमम स्टार्टअप्स तक पहुंच पाए, इसके लिए हम वर्चुअल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करेंगे ताकि मैक्सिमम स्टार्टअप जो सुविधाएं फिजिकली नहीं ले पा रहे हैं वो वर्चुअली उनका लाभ उठा सके. सो इंक्यूबेशन सेंटर की बात करते हुए, जैसा कि मैंने पहले कहा, हमने राज्य भर में 16 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापना कर दिया है हमने. और SNDT वुमेन इंक्यूबेशन सेंटर जो हमारा लेटेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर है जिनको हम फंड कर रहे हैं 5 करोड़ रुपए ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स ताकि हम महिला एंटरप्रेनर्स या महिला स्टार्टअप्स का सशक्तिकरण कर सके. ये हमारा मेन मोटिव है, ये मेन एजेंडा है. और इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस इंक्यूबेशन सेंटर का आप लाभ उठाएं, और आपको कहीं भी कोई भी हिचक है तो जैसा पनक सर ने कहा आप उनको कभी भी रीच आउट कर सकते हैं, और इनोवेशन सोसाइटी भी आप लोगों की सहायता और सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध है. उसके अलावा स्टार्टअप वीक जो हमारा सबसे बड़ा इवेंट है जो अभी इस वर्ष वो 23 से 27 अगस्त को होने वाला है, इसमें हम ये 6 सेक्टर्स है जिसमें हम स्टार्टअप्स को इनवाइट करते हैं पिच करने के लिए. एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी, स्मार्ट इंफ्रा, गवर्नेंस एंड एजुकेशन स्किलिंग. तो इन स्टार्टअप्स को हम पिच करने का मौका देते हैं, और वो पिच जो जजेस होते हैं वो बहुत बड़े कॉरपोरेट्स भी होते हैं, बड़े IAS ऑफिसर्स होते हैं जिनके साथ उन्हें एक्चुअली काम करना है, जो उस प्रॉब्लम को समझते हैं, जो गवर्नमेंट एक प्रॉब्लम को समझ के उनको असेस करती है. उसके अलावा बहुत सारे उद्योजकता भी होते हैं जिनके साथ हम डायरेक्टली इन्वेस्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली उनके साथ इंटरेक्ट करके ये असेस करते हैं कि भाई ये स्टार्टअप का जो आइडिया है ये कितना बहुमूल्य है और उसको हम किस तरह से इनकी सहायता कर सके ताकि ये इवेंचुअली सोसाइटी में अपना सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट कर सके. तो स्टार्टअप वीक ये हमारा बहुत ही फेमस इवेंट है, रादर बहुत ही इम्पैक्टफुल इवेंट है मैं कहूंगी. और आप लोगों में से जो भी इसे पढ़ रहा है प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैक्सिमम लोगों की इसमें आप अगर आप एलिजिबल हो तो जरूर इसमें अप्लाई करें.
ये हमारे कुछ स्टार्टअप्स है जो लास्ट 3 साल में आगे बढ़े हैं. तो इसमें वो स्टार्टअप्स भी है जिनको हमारे और से मान्यता मिलने के बाद वो नेशनल लेवल पे भी गए हैं, जो डायरेक्टली डिफेंस के साथ काम कर रहे हैं. और ऐसे भी बहुत सारे स्टार्टअप है जो डायरेक्टली बचत गट के साथ भी काम कर रहे हैं. तो स्टार्टअप की कोई सीमा नहीं है, वो कोई भी किसी भी तरह का व्यापार कर सकते हैं, बस इनोवेटिव होना चाहिए. दैट इज द बेसलाइन. उसके अलावा अभी हमने ग्रैंड चैलेंज भी अनाउंस किया है, जिसमें हम लोग पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या और फिशरीज डिपार्टमेंट, ये दो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, जिनसे हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट मांगे. आज हम एग्जाम्पल के तौर पर जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके पास बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका वो हल चाहते हैं एक इनोवेटिव तरीके से. लेकिन उन पहुंचने के लिए उन लोगों तक या इनोवेटर्स या रिसर्चर्स तक पहुंचने के लिए उन्हें एक माध्यम चाहिए. तो इनोवेशन सोसाइटी वो माध्यम है जिसके तहत उन्हें उस सॉल्यूशंस का हल मिलेगा. और इसके लिए उन्होंने 1 करोड़ तक का इनाम रखा है, जिसको आप यूज करके उस पूरा पायलट को डेवलप कर सकते हो, प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हो. और एक्चुअली आप ये दिखा सकते हो कि हाँ, एक स्टार्टअप भी छोटे से एक अच्छे इनोवेटिव सॉल्यूशन से बहुत बड़े या बहुत छोटे प्रॉब्लम को इम्पैक्टफुली सॉल्व कर सकता है. वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, हमें कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है जो फिशरीज डिपार्टमेंट है उससे भी मिले हैं. अब जैसे कि फिश वेस्ट जो होता है उसका हम उसको किस तरह से बहुमूल्य तरीके से उसका रिसाइकलिंग कर सके या किस तरह से उसको यूज कर सके ताकि उस कुछ भी वेस्ट नहीं हो बट कुछ इनोवेटिव निकल कर आए उस फिश वेस्ट से भी. उसके अलावा जब स्टार्टअप्स की बात आती है, सबसे बड़ा उनकी सबसे बड़ी तकलीफ या चैलेंज ये होती है जो छोटे छोटे उनको सहायता चाहिए होती है फॉर टेस्टिंग देयर प्रोडक्ट और फॉर इंटेलेक्चुअल, जो पेटेंट की बात आती है, कॉपीराइट्स की बात आती है. स्टार्टअप्स को पता होता है बट उन्हें ये नहीं पता होता उन्हें कहाँ जाना चाहिए, किसको अप्रोच करना चाहिए, इसके क्या खर्च हो सकती है, क्या लागत हो सकती है. तो उनको सहायता देने के लिए हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक सपोर्ट जनरेट किया है, जिसमें हम up to 2 लाख रुपए तक का उनको पेटेंट की सहायता करेंगे, जिसमें हम उनको टेक्निकल पार्टनर से भी मिलाएंगे. उनका पूरा पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सब कुछ हम अपने पार्टनर से करवाएंगे और उसके बदले उनको 2 लाख तक का रीइंबर्समेंट भी हम देंगे. सिमिलरली कोई नए स्टार्टअप को अगर अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग करनी है, उसकी क्वालिटी असेस करनी है, कोई पर्टिकुलर NABL लैब से सर्टिफिकेशंस करवाना है, उसका भी खर्चा हम 2 लाख रुपए तक उठा रहे हैं उस स्टार्टअप के लिए. और अगर वो स्टार्टअप अपना इनवॉइसेस और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल करता है तो उसको वो रुपए तुरंत उसके अकाउंट में रीइंबर्स हो जाते हैं. वर्चुअल इंक्यूबेशन सेंटर की मैं बात ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि किस तरह छोटी छोटी सर्विसेज, आज एक स्टार्टअप या कोई भी बिजनेस आइडिया को लीगल सहायता चाहिए होती है, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होती है, अकाउंटिंग या फाइनेंस की सहायता चाहिए होती है, हर समय उनके लिए फिजिकली कहीं भी जाना, स्पेशली बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडमिक, कहीं भी जाना बहुत मुश्किल हो जाती है. तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमने वर्चुअल इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है, ताकि ये छोटी मोटी चीजें जो है, जो दिखने में छोटी है बट बहुत बहुत मैंडेटरी होती है छोटे से बिजनेस के लिए, मैक्सिमम स्टार्टअप उसकी सहायता ले सके. ये प्रोजेक्ट हम इस पे लगे हैं और शायद विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स इट विल गो लाइव ऑन आर पोर्टल. एंड आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट कि प्लीज हमारा वेबसाइट www.msins.in, उस पर आप कंटिन्यूअसली प्लीज चेक करते रहे, हमारी जो भी पॉलिसीज आती है, जो भी गाइडलाइंस आती है उस पर रेडिली अवेलेबल रहती है. एंड वहां पे आपको किसको कॉन्टैक्ट करना है, आप वो सारे डिटेल्स भी दिए होते हैं. और कुछ भी आपको अगर तकलीफ है तो आप मुझे या फिर हमारी जो टीम है उनको कभी भी रीच आउट कर सकते हैं. जो भी इंफॉर्मेशन है सब पोर्टल पे दी गई. कुछ महीने पहले ही इनोवेशन सोसाइटी के अंदर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप सेल की भी स्थापना की गई थी. इस सेल का प्राइमरी पर्पस यही था कि हम मैक्सिमम स्टार्टअप्स, जो वुमेन लेड स्टार्टअप्स है, हम उनकी सहायता कर सके, उनको बढ़ावा दे सके. और उसी एजेंडे से सबसे पहले जो काम हमने किया था वो SNDT वुमेन इंक्यूबेशन सेंटर और वाइज इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना थी, जो आई एम रियली हैप्पी टू सी द वे थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग. एंड आई
I'm sure that maximum entrepreneurs or women entrepreneurs will be able to take benefit of this incubation center with your able guidance, Dr. Panath. इसके अलावा हमने बहुत सारी mentorship और acceleration programs भी plan की है जो हम women entrepreneurs के लिए run करेंगे. And I would request अगर आप एक startup हो जिसके पास एक innovative business idea है and आपको कहीं भी तकलीफ हो रही है टू कनेक्ट विद द गवर्नमेंट और टू अंडरस्टैंड आवर पॉलिसीज और गाइडलाइंस तो प्लीज रीच आउट टू अस. एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द पोर्टल. आई एम देयर, डॉक्टर पनाथ इज देयर एंड डेफिनेटली मुग्धा मैडम इज ऑलवेज देयर. इसके अलावा कोई भी इनोवेशन को सपोर्ट देने के लिए रिसर्च एक बहुत अहम भूमिका निभाती है. इसके लिए हमने दो और पॉलिसीज का निर्माण किया है जो डीप टेक इनोवेशन फंड है और इग्निशन ग्रांट्स. इसमें हम जो रिसर्चर्स है या स्कॉलर्स है जो कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं उनको हम कुछ स्टाइपेंड और कुछ सीड फंड सपोर्ट देंगे. ये पॉलिसीज अभी इन प्रोग्रेस है एंड डेफिनेटली वी आर होपिंग टू लॉन्च इट सून इन कमिंग कपल ऑफ मंथ्स. सो ये था इनोवेशन सोसाइटी का एक छोटा सा सिनॉप्सिस एंड आई एम हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव. Thank you. जी बहुत बहुत धन्यवाद. आज जैसे सब लोग दर्शक मेरे साथ इससे सहमत होंगे कि आज तो गंगा मतलब आज तो दिन कहाँ से उगा है या फिर गंगा का इनक्यूबेशन सेंटर खुद चल के कह रहा है आओ हिचकिचाने की जरूरत नहीं. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन खुद कह रहा है कि हम आपकी सेवा में हाजिर हैं. आज ऐसा सचमुच लग रहा है कि जो हमने कहा कि हम महाराष्ट्र हैं वो महाराष्ट्र हो रहे हैं. महाराष्ट्र की संस्थाएं जुड़ी हैं दोनों, लेकिन दोनों बात कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण की और राष्ट्र के बहनों को ये आमंत्रण दे रही है.